तो अभी सीन ये है कि जो मेरा दोस्त है मयंक, आपने उसको ब्लॉग में देखा होगा काफ़ी टाइम। अभी वो मैच खेलने गया है यहाँ से दूर, करीबन करीबन 20 या 25 किलोमीटर दूर। तो अभी उसका मेरे पास मैसेज आया कि ब्रो जल्दी से आ जा, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। मतलब प्रॉब्लम ऐसे थी, प्रॉब्लम है कि बाइक में कुछ शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो हम जा रहे हैं मयंक के पास और जो भी प्रॉब्लम है वो देखने। तो आज का जो ब्लॉग का टाइटल रहेगा वो होगा सोचने दो, दोस्त अगर दोस्त के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। ठीक है, तो दोस्ती यारी एंड जाते हैं वहाँ, देखते क्या प्रॉब्लम है। आज का ब्लॉग भी ऐसे ही बनेगा। मैं सोच रहा था आज क्या ब्लॉग करूँ, लेकिन ब्लॉग बनेगा बनेगा और यही बनेगा कि क्या होने वाला है आगे को, क्योंकि मेरे को पता नहीं वो कहाँ है और वो मैच खेल रहा है अभी, उसका शायद सेकेंड इनिंग है। उसके पास मेरा अभी अचानक से कॉल आया, तो फटाफट निकलते, ऐसे ही निकलेंगे, कोई सजदस्ती नहीं जाना है, फटाफट जाना है। ठीक है, चलो। बहुत टाइम बाद मैंने नाइकी के जूते निकाल रखे और जादू देखो, एक दो देखा जादू। तो ध्यान भटकने के कारण यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। तो आप भी जब भी आप गाड़ी चलाएं तो अपना ध्यान नियंत्रण में रखें, और बाकी सब बढ़िया, तुम्हारा भाई फिट एंड फाइन है। आगे का ब्लॉग एंजॉय करो। अभी सीन ये है, मैंग ने मेरे को अपनी लोकेशन भेजी है एंड लोकेशन के हिसाब से मेरे को वहाँ पहुँचना है। उसने मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दी है एंड अभी मुझे 11 किलोमीटर और जाना है। ओके, तो चलो चलते हैं। मेरे को बस लोकेशन का इंतज़ार था, नहीं तो मैं अब रास्ता जानता नहीं था वो कहाँ मैच खेल रहा है। बट लोकेशन मिल गया है, फाइन है, चलो। पांडे जी तुम कहाँ से आ रहे हो, मैच वैच जीत गए? परसों के बाद डायरेक्टली आज वीडियो बन रही है। परसों मैं अपने दोस्त के पास गया था, जैसे कि आपने पुराने देख लिया। आज सुबह अभी बज रहा है 7:30, तो हाँ 7:31 हो रहा है। कहाँ गया, दिख रहा है क्या 7:31? अरे छोड़ो ना यार, मैं बता रहा हूँ 7:31 हो रहा है, मतलब 7:30 हो रहा है। और मेरे को आज अपना घर पूरा साफ़ करना है, मतलब अपना रूम साफ करना है। मेरे पास इतना सामान यहाँ उलझा पड़ा है, मैं क्या बताऊँ। अच्छा, मेरा दोस्त बोलता है कि भाई व्लॉग कि आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, मैं बताता हूँ। भाई ब्लॉगिंग क्या है ना, जो तुम कर रहे हो काम, जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है, जो तुम कर रहे हो, जो तुम दिखाना चाहते हो, जो तुम्हारी लाइफस्टाइल है, वही ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग में कुछ भी हो सकता है। मैं डेली का काम करता हूँ, मैं वो भी दिखा सकता हूँ। बस देखने वालों की देखने वालों पर डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाहते हैं। सपोज़ मैं अभी घर साफ कर रहा हूँ, बहुत लोग करते हैं, ये मेरा ब्लॉग है, ये मेरा आइडिया। अब डिपेंड करता है कि वो कैसे देखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग जब अपना रूम साफ़ करते हैं उसको हर कोई देखता है, जब खुद साफ़ करते हैं तो उसकी वीडियो कोई नहीं बनाता। तो बस आइडियाज़ ही से आते हैं। जो हम डेली जो काम करते हैं वही ब्लॉगिंग है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे हम जीते हैं। जितने भी स्टफ्स पड़े, मतलब कि चार्जर, ये वो, मेरा डेस्क तक, मैं जब से वीडियो बनाने लगा हूँ ना तब से मेरे, मतलब सारे सामान ऐसे फैले रहते हैं, मैं क्या बताऊँ, मैं दिखाता हूँ कैसे फैले रहते मेरे सामान रहता है। मेरे बाकी चार्जर ये वो यहाँ पड़े रहते हैं, देखो मेरा ब्रश भी वहीं पड़ा है। और ये रहा कैमरा, कैमरा रहा वो, वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मैं यहाँ से कैमरे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस यही यही बात है। और बाकी सब बढ़िया चीज़ें। और जादू देखोगे एक चुटकियों में ये सारे सामान गायब होकर एकदम प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पर को हो जाएंगे। एक दो
रूम साफ हो गया है, पूरे सब चीज़ साफ कर दी गई है, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बनाया था कि मैं अपना जो ये पूरा रूम है पूरा वाइट वाइट है, इन सबको मैं पेंट करने वाला हूँ। और बोलते हैं तो उसको क्या, ग्रेफिटी आर्ट बोलते हैं शायद उसे, और वो स्प्रे पेंट होता है उससे पेंट, और मैं आजकल वो सीख रहा हूँ और बहुत जल्द मैं अपना पूरा रूम चेंज करने वाला हूँ उससे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, खुदा हाफिज़ और थैंक यू एंड बाय बाय। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करिए। मेरा भाई का फोन आ गया और इस बंदे को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।